आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। मौसम को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है अपना पूर्वानुमान। उत्तर भारत में आज ठंड और कोहरे का रहेगा दौर जारी, बारिश और बर्फबारी की भी है आशंका। उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसा उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण हो रहा है। वही शीतलहर की वजह से ठंड में और इजाफा यहाँ पर हो रहा है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए देश के उत्तरी राज्यों में ठंड के साथ कोहरा पड़ने का पूर्वानुमान लगाया है। इसके अनुसार उत्तरी पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ बारिश के भी आसार है, इससे ठंड में इजाफा हो सकता है। वही मौसम विभाग के अनुसार आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में अगले दो दिन तक हल्का कोहरा छाया रहने का अनुमान है। वहीं उत्तर भारत के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भी घना कोहरा पड़ सकता है। वही मौसम विभाग के अनुसार आज से 24 जनवरी तक पूर्वी उत्तरी असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ यहां पर उत्पन्न हो गया है। वही आज हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। इसके कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी यहां पर हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी आज से 24 जनवरी के बीच तेज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वही हिमाचल प्रदेश में 23 जनवरी से बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। वही 23 जनवरी को दिल्ली और पंजाब और चंडीगढ़ में भी बारिश होने की संभावना यहां पर मौसम विभाग ने जताई है। राजस्थान में सर्द हवा का दौर जारी, इस महीने के अंत तक कोहरा रहेगा पूर्ण रूप से राजस्थान पर हावी। राजस्थान के अधिकतर इलाकों में सर्द भरी हवा का दौर यहां पर जारी है। सर्दी का दौर राजस्थान में लगातार जारी है। वहीं से कवटी इलाके में मौसम का मिजाज यहां पर बदला सा लग रहा है। यहां कड़ाके की सर्दी ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। वहीं राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ और हवा के बदले रुख से मौसम का मिजाज यहां पर बदला हुआ, इससे प्रदेशवासियों को पारे से ज्यादा राहत नहीं मिल रही है। बुधवार के दिन यहाँ पर कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री के आसपास और आसपास यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं गुरुवार के दिन भी तापमान 10 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पर रात का पारा कई स्थानों पर यहाँ पर दर्ज किया गया है। हालांकि दिन का तापमान अब 2 से 3 डिग्री अधिक बढ़ा हुआ दर्ज किया जा रहा है, लेकिन सर्द हवा का दौर सुबह, दिन और शाम को लगातार यहाँ पर राजस्थान में हावी है। वहीं राजस्थान के अधिकतर शहरों में घना कोहरा है यहाँ पर छाया हुआ है। घने कोहरे ने लोगों की परेशानियों में इजाफा किया हुआ है। वहीं जयपुर और गंगानगर, सीकर, पिलानी, चूरू, भीलवाड़ा, माउंट आबू, उदयपुर और जोबनर में सबसे ज़्यादा सर्दी का असर और यहाँ पर ज़्यादा बरकरार है। वहीं कई जगहों पर घना कोहरा भी हावी हो रहा है। दृश्यता कम होने की वजह से वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफ़ी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग जगह जगह पर अलाव जलाकर तापते हुए नजर आ रहे हैं। वही मौसम विभाग जयपुर के निदेशक ने बताया है कि जयपुर सहित अन्य जगहों पर मौसम साफ रहने के साथ साथ सुबह और शाम तेज शीतलहर चलने की संभावना है। वही खासतौर पर यह मौसम खेती और किसानी के लिए फायदेमंद ये मौसम होता है। खासकर चना, गेहूं, मटर, आलू, टमाटर आदि की फसल के लिए ये मौसम यहाँ पर ठीक है। अब शीतलहर के आगोश में है राजधानी दिल्ली। अगले 2 दिन तक ठंड से नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली के मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दिल्ली में ठंड और कोहरे से आज विजिबिलिटी कम रही है, जिससे यातायात यहाँ पर प्रभावित रहा है। वही दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरे में यहाँ पर लोगों की आवाजाही दिखी। वही ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वही मौसम विभाग के अनुसार आज न्यूनतम तापमान यहाँ पर 7.4 डिग्री दर्ज किया गया है। नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण अगले एक दो दिनों में यहाँ पर दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। वही मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया है कि नया पश्चिम विक्षोभ आज से यहाँ पर हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित करना शुरू करेगा, इसलिए दिल्ली के न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी का अनुमान है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय के ऊपर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी का अनुमान है। वहीं बर्फ से ढके पहाड़ों से सर्द हवाएं यहाँ पर सोमवार तक तापमान में 4 डिग्री तक यहाँ पर सोमवार तक तापमान पहुँच सकता है। अधिकारी ने बताया कि तेज हवा चलने से शहर के वायु गुणवत्ता में भी यहाँ पर सुधार का अनुमान लगाया गया है। इससे पहले दिल्ली में यहाँ पर एक दिन पहले तापमान 7.8 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया था, जो कि सामान्य से 1 डिग्री अधिक था। वही मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया है कि आज से ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्रों में यहाँ पर
सक्रिय होने जा रहा है इसको प्रभावित करना शुरू करेगा। इसके परिणाम स्वरूप सोमवार तक तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं तेज सतही हवा चलने की वजह से यहां पर इकोई में सुधार की उम्मीद जरूर दिल्ली के अंदर लगाई जा रही है। झारखंड के लोग रहे तैयार, मौसम की भविष्यवाणी बढ़ने वाली है झारखंड में ठंड। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में एक बार फिर ठंड बढ़ेगी। अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में 6-7 डिग्री की यहां पर गिरावट की संभावना यहां पर मौसम विभाग ने जताई है। वहीं रांची स्थित भारतीय मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 21-23 जनवरी तक ठंड का असर यहां पर देखा जाएगा। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण 24 जनवरी को यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होगी। वही मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि गुरुवार से पश्चिम उत्तर यहाँ पर हवा चलना शुरू हो गई है और यहाँ पर गुरुवार के दिन आसमान साफ था, जिसके कारण अगले 2-3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में अब गिरावट यहाँ पर देखी जा सकती है। जबकि 24 जनवरी से यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ जो कि हिमालय में सक्रिय हो जाएगा, जिसके बाद मौसम में यहाँ पर बदलाव आएगा और न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। इस दौरान झारखंड के दक्षिणी जिलों में सुबह के समय यहाँ पर धुंध देखने को मिल सकती है। वहीं कुछ इलाकों में यहाँ पर गहरा कोहरा भी छाए रहने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। उत्तर प्रदेश में सुबह के समय कोहरे की सल्तनत, दोपहर को सूर्यदेव की बादशाहत है जारी। उत्तर प्रदेश में अब पिछले 2-3 दिनों से मौसम में यहाँ पर जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अगले यहाँ पर दो तीन दिन पहले यहाँ पर कोहरे की वजह से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब 2 दिन हो गए हैं लगातार यहाँ पर सुबह होने के बाद में यहाँ पर सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं और कई इलाकों में कोहरा भी सूर्य के कारण छटता हुआ नजर आ रहा है। वही सुबह के समय यहाँ पर कोहरा की सल्तनत दिख रही है, वही शाम को यहाँ पर दिन के समय यहाँ पर सूर्य देवता की बादशाहत दिख रही है। वही आज से हवा का रुख बदलेगा, बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं तापमान बढ़ाएगी। इन हवाओं के कारण गलन में कमी और तापमान में वृद्धि से मौसम खुशवार होने की उम्मीद है। वही कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी ने बताया है कि अगले 2 दिन तक यूपी के कई इलाकों में ठंडक बनी रहेगी। वही कई इलाकों में कोहरा छाया रहेगा, वही धूप भी निकलेगी। वही कई इलाकों में यहाँ पर मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी भी दी है कि कई इलाकों में बारिश भी होगी। वही लखनऊ में अधिकतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा प्रतापगढ़ में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, कानपुर में अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री यहां पर रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा कानपुर देहात में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री, इटावा और फतेहपुर में तापमान 8 डिग्री यहां पर दर्ज किया गया। इसके अलावा फरुखाबाद, बांदा और हमीरपुर व जालौन में तापमान यहां पर 9 और 10 डिग्री के आसपास यहां पर रहा है। वहीं इसके अलावा मौसम विभाग ने लखनऊ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, शामली, पीलीभीत, शाजापुर, लखीमपुर खीरी और बहराइच, सरवस्ती, हरदोही और बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया, कानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर और वाराणसी, प्रयागराज, गाजीपुर आसपास के इलाकों में कोहरे छाए रहने की संभावना है। वे कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है कि इन इलाकों में हल्की बारिश भी कुछ इलाकों में हो सकती है। इसके अलावा प्रयागराज में न्यूनतम तापमान में उछाल दर्ज किया गया, हालांकि सुबह के वक्त यहाँ पर प्रतापगढ़ और यहाँ पर आसपास के कई जिलों में यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ था। वही दिन में 10 बजे के आसपास यहाँ पर सूर्य देवता के दर्शन हुए। वही प्रयागराज के अंदर सुबह 8 बजे सूर्य देवता यहाँ पर दिखाई दिए थे। वही कानपुर में भी यहाँ पर पिछले दिनों 9-10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं यहाँ पर चली थी, जिसने यहाँ पर ठंडक बढ़ा दी है। वहीं आज सुबह ये तापमान यहाँ पर हवा की जो रफ्तार रही वो घटकर अब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार हो गई है। वहीं दूसरी दबाव से यहाँ पर राहत अब लोगों को मिली है। वहीं आज से प्रदेश के यहाँ पर कई इलाकों में इकोई भी बहुत जबरदस्त दर्ज किया गया है। लखनऊ देश का सबसे प्रदूषित शहर था, यहाँ इकोई 406 दर्ज किया गया। बात करें अब मध्य प्रदेश के मौसम की, तो मध्य प्रदेश में जारी है मौसम का उतार चढ़ाव। आज से कई इलाकों में तापमान में होगी बढ़ोतरी। जनवरी माह में तापमान में लगातार उतार चढ़ाव का दौर मध्य प्रदेश के अंदर जारी है। इस क्रम में राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में यहां पर तापमान सामान्य से यहां पर नीचे, कहीं ज्यादा तो कहीं कम यहां पर देखने को मिल रहा है। वही दिन के तापमान में मामूली सी कमी रिकॉर्ड की गई है। वही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से तापमान में फिर बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो सकता है। इधर 25 जनवरी के बाद एक बार फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला मध्य प्रदेश के अंदर शुरू होगा।
वही वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला के मुताबिक हवा का रुख उत्तरी पूर्वी होने से, साथ ही हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटे रहने से तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। इधर पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश से उत्तरी मध्य प्रदेश होकर कोंकण गोवा तक एक यहाँ पर द्रोणिका लाइन यानी ट्रफ यहाँ पर बनी हुई है वो समाप्त हो गई है। इससे वातावरण में नमी यहाँ पर कम होने लगी है। इसे दिनों रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वही मौसम विज्ञानी के मुताबिक आज से एक पश्चिमी विक्षोभ जो उत्तर भारत में हिमालय तराई क्षेत्रों में दाखिल होने जा रहा है, इसके प्रभाव से हवा का रूप यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर बदलेगा। इससे वातावरण में फिर नमी आने लगेगी। इससे बादल छाएंगे और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। साथ ही आज प्रदेश के कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। यहाँ पर उस पश्चिम विक्षोभ के कारण यहाँ पर बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। इस सिस्टम के 25 जनवरी को उत्तर भारत से आगे बढ़ जाने की अब संभावना। इसके बाद हवा का रूप बदल कर फिर उत्तरी होने लगेगा। इससे फिर तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू होगा और ठंड भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में आज से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज है बर्फबारी के आसार। मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में 23 और 24 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। वहीं 23 जनवरी को मैदानी इलाकों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में यहां पर शिमला, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और सोलन और आसपास के जिलों में यहां पर येलो अलर्ट यहां पर मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 25 जनवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है और 27 जनवरी तक प्रदेश में मौसम यहां पर साफ रहेगा। वहीं वीरवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा है। वहीं यहाँ पर धूप खिलने के साथ साथ अधिकतम तापमान यहाँ पर 2 से 3 डिग्री अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं गुरुवार को सोलन में अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।